हेलो एवरीवन। तो रेखा सीरा किचन में आज बनने जा रही है बहुत ही यूनिक सी गणपति बप्पा के लिए ये मोदक की रेसिपी। इस मोदक की रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि हमने ये मोदक की रेसिपी बिना मावा और बिना खोया के बनाकर तैयार किया है। इस रेसिपी को देखकर कोई भी गणपति बप्पा के लिए मोदक की रेसिपी का भोग बनाकर तैयार कर सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, ये स्पेशल मोदक की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बेसन के मोदक बनाने के लिए कढ़ाई में आधा कप देसी घी डालेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें एक कटोरी बेसन ऐड करेंगे। अब बेसन को हम लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई नहीं रखना है, अगर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो बेसन हमारा जलने के चांसेस हो जाते हैं। और ये देखिए, जैसे ही मैंने बेसन को घी के अंदर डाला तो बेसन ने सारे घी को अब्सॉर्ब कर लिया है, लेकिन हम जैसे जैसे बेसन को भूनते जाएंगे वैसे वैसे बेसन घी रिलीज़ करता जाएगा। हमें यहाँ पर बेसन को लगातार चलाते रहना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इसे बीच में छोड़ दिए तो ये नीचे कढ़ाई के तलवे में चिपक के और जलने के चांसेस हो जाते हैं। ये कुछ ही मिनट में अच्छे से भून कर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसे लगातार चला रही हूँ। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर बेसन को भूना है वैसे ही बेसन हल्का सा यहाँ पर लूज सा हो गया है। अब ये धीरे धीरे से भून रहा है और इससे घी रिलीज हो रहा है। बेसन को लगातार चलाते हुए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए, बेसन में से घी भी अच्छे से रिलीज हो गया है। अब हम इसे स्टेज पर इसमें डालेंगे हाफ कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हो। अब चीनी को बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चीनी की जगह शुगर पाउडर भी ले सकते हो। अभी भी मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पर लो ही कर रखा है, सारी प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करनी है। अब चीनी यहाँ पर बेसन में मिक्स हो रही है, तब तक हम एक काम कर लेते हैं। एक मिक्सर जार लेंगे और जार के अंदर हाफ कप दूध डालेंगे और इसमें डालेंगे हाफ कप कोकोनट पाउडर। अब मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके और इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम बेसन में ऐड करेंगे। तीन से चार चम्मच गरम दूध कटोरी में डाल के और 15 से 20 केसर के धागे इसमें ऐड करके और मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। केसर ने अपने सारा कलर छोड़ दिया है, अब हम केसर के दूध को भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, बेसन के मोदक बनाते समय हमें खास ट्रिक ध्यान रखनी है कि गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो मीडियम ही रखना है। सारी प्रोसेस हमें लो मीडियम गैस पर ही करनी है, गैस का फ्लेम हम हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, बेसन के मोदक बनाने के लिए परफेक्ट डो बनकर तैयार है। डो यहाँ पर अच्छे से पैन को छोड़ रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा डो लेके और इसे राउंड राउंड करके देखेंगे। तो ये लीजिए, ये अच्छे से जमने के लिए तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम सारे बेसन के डो को प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मोदक में भरने के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 8 से 10 बादाम, इसको बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही में लिए हैं 8 से 10 काजू। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच डेसिकोटेड नारियल और 2 चम्मच मिल्क पाउडर। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। और अब हम स्टफिंग में ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच शुगर पाउडर लिया है। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, हम बेसन के मोदक के अंदर मावा या चाशनी, मिल्क पाउडर कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसकी स्टफिंग एकदम मावे की तरह बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब हम लास्ट में इसमें 1 से 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे। पहले मैं इसके अंदर 2 चम्मच दूध ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिला रही हूँ। अभी चम्मच से अच्छे से नहीं मिल पा रहा है तो मैं इसे हाथों से ऐसे मिक्स कर रही हूँ। हाथ से आसानी से मिल जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर इसको एकदम लिक्विड सा नहीं करना है। स्टफिंग हमें इस तरह की बनानी है कि इसके हम लड्डू से बनाएं तो वो आसानी से बन सके। तो ये देखिए, 2 चम्मच दूध में अच्छे से स्टफिंग बन गई है और मैं यहाँ पर इसके लड्डू से बना रही हूँ। तो इसके लड्डू से बन रहे हैं तो हमें यहाँ पर 2 चम्मच दूध काफ़ी है। यहाँ पर अच्छे से स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम स्टफिंग के छोटे छोटे से लड्डू बना लेते हैं ताकि हम मोदक के अंदर आसानी से डाल सकें। ये देखिए, इस तरीके से हम छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। और अब हम इसी तरीके से छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, सारे लड्डू बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर मोदक बनाने के लिए ये मोदक मोल्ड लिया है और ये मोदक मोल्ड मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब हम मोदक मोल्ड को घी लगा के चिकना कर लेंगे ताकि जो मोदक बनाए वो आसानी से निकल सके। अब हम मोदक मोल्ड को चिकना करके और इसे बंद कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी बेसन की स्टफिंग लेके और इसके अंदर भरेंगे। इसे अंगुली से प्रेस करते हुए चारों ओर अच्छे से फैला लेंगे और बीच में हमें स्पेस रखना है क्योंकि हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। तो ये लीजिए, मैंने इसे चारों ओर अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा लड्डू इसके बीच में डाल देते हैं और फिर से हम डो लेंगे और इसे ऊपर से अच्छे से बंद कर देते हैं। और अब हम मोदक मोल्ड को सावधानी पूर्वक खोल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार मोदक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा मोदक बना है। मोदक को चारों ओर से देखिए, मोदक का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब हम इस मोदक को प्लेट में निकाल देंगे और अब हम इसी प्रकार से सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे और इसे चारों ओर अच्छे से फैलाएंगे। अब बीच में ड्राई फ्रूट्स का लड्डू रख देंगे और इसे ऊपर से अच्छे से बंद कर लेंगे। और सावधानी पूर्वक हम मोदक मोल्ड को खोल लेंगे। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पर दूसरा मोदक भी बहुत ही अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। और ये लीजिए, एक एक करके मैंने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर मोदक को गार्निश कर रही हूँ केसर के धागों से। आप इनको ड्राई फ्रूट्स या चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हो। और अगर फ्रेंड्स आप इनको नहीं गार्निश करो तो भी ये मोदक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे।